नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। बिहार में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। अगर एनडीए की बात करें तो विधानसभा की 5 सीटों में जदयू 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 1 सीट पर बीजेपी। वही लोकसभा की 1 सीट एलजेपी के खाते में जाएगी और जिन 5 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें सिमरी, बख्तियारपुर, दरौंदा, नाथनगर, बेलहर और किशनगंज शामिल है। वह इस बीच खबर है कि उपचुनाव को लेकर सीएम हाउस पर भी बैठक हुई है और जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, आरसीपी सिंह, ललन सिंह और बिजेंद्र यादव शामिल हुए। जानकारी के अनुसार अगले 2 दिन के अंदर सीटों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और बैठक की जानकारी देते हुए वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि अगले 2 दिनों के अंदर सीटों को अनाउंस कर दिया जाएगा। अब उसके बाद आपको बता दें कि इसको लेकर कल फिर से एक बैठक होनी है। आपको बता दें कि किशनगंज को छोड़ बाकी की 4 सीटें जेडीयू के खाते में थी। वहां के विधायक अब सांसद बन चुके हैं और लिहाजा वह सीट खाली हो चुकी है। वहीं 4 सीटों पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि किशनगंज सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। पिछली दफा किशनगंज विधानसभा सीट से भाजपा ने स्वीटी सिंह को उम्मीदवार बनाया था। वहीं इस बार भी चर्चा है कि पार्टी उन्हीं पर दांव आजमाएगी। पिछली दफा इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार से वह चुनाव हार। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।